वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर थर्सडे और संडे वीडियोस मिलती रहे। अच्छा, तो पहले तो ये बताना चाहूँगी कि मेरा लास्ट दो दिन वीडियो क्यों नहीं आया। वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने एक ब्रेक लिया था, क्योंकि मैं पता नहीं मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया था मैंने खुद पर, तो उसी चक्कर फिज़िकली मैं थोड़ा सही नहीं थी। एंड अभी मैं बिल्कुल एकदम स्ट्रांग हूँ, बाइसेप्स नहीं है सॉरी, तो अभी मैं फ़िलहाल बिल्कुल सही हूँ। एंड आज थर्सडे है और मुझे आज ही वीडियो अपलोड करना है। और आज सुबह सुबह मैंने यू नो जस्ट नॉर्मली एक इंस्टा पोस्ट दिया था, इंस्टा स्टोरी शेयर की थी, जिसमें यू नो आई एम स्टार्टिंग ए सीरीज़ सेड हैशटैग आई विल लिसन। एंड उस पर एक्चुअली कुछ लोगों ने सच में रिप्लाई किया है जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो उसी में से एक रिस्पॉन्स के बारे में आज हम बात करेंगे। मैंने बोला था कि किसी का भी जो नाम है वो मैं मेंशन नहीं करूँगी, सबको अच्छा नहीं लग सकता है। सो यस, ये वीडियो मैं बना रही हूँ उन्हीं के लिए। किसी एक ने पूछा था कि यू नो हाउ टू फाइंड ए प्रॉपर जॉब, तो इसी वजह से आज मेरा ये सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू फाइंड ए प्रॉपर जॉब, सी मैं कभी भी कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं प्रिपरेशन करके नहीं बैठती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो दिल से दिल वाली बातें होती है ना वो अलग होती है। वो एक होती है ना, दोस्त दोस्त बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं लाइफ के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, है ना, तो वो वाली कनेक्शन आनी चाहिए मुझे। इसीलिए मैं कभी प्रिपरेशन करके नहीं बैठती हूँ कि ये बात करना है। तो अगर जॉब की बात करते हैं तो फिलहाल मेरे दिमाग में तीन से चार पॉइंट्स चल रहे हैं। पहला पॉइंट मैं बता दूँ कि पहले आपको अपना नीश चूज़ करना है। ये कोई भी फील्ड, आप बिजनेस में हो या जॉब चाहते हो, कोई भी फील्ड हो, आपको अपना नीश चूज़ करना है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। दूसरा, आपको गवर्नमेंट सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर चाहिए या प्राइवेट सेक्टर चाहिए, ये आप डिसाइड करो। क्योंकि ये बात है ना कि अगर आप जॉब ढूंढने जाओगे तो आप कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन तीसरी पॉइंट ये है कि अगर आप अपने काम में बेस्ट नहीं होंगे, यू नो द बेस्ट, तब क्या होगा, कंपटीशन बहुत है। और आज के ज़माने में तो बहुत है, मतलब हम लोग का जो ज़माना है इतना ज़्यादा कंपटीशन है ना कि बच्चे हम लोग जब गाना वाना सीखते थे, हम भी बचपन में गाना सीखते थे, पर हम लोग को कभी उतना एक्सपोजर नहीं मिला बिकॉज सोशल मीडिया नहीं था, ये वो नहीं था। आजकल बच्चे स्टार बन रहे हैं, तो हमें भी कभी कभी एंग्जाइटी हो जाती है इस चीज़ को देख के। इट इज़ नॉट दैट वी आर वेरी महान और यू नो बहुत वैसे हैं, कभी कभी खुद को भी लगता है यार मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में। पर ये तीसरी पॉइंट ये है कि आपको आपका जो स्किल है, यू नो यू नीड यू आर ईदर द फर्स्ट वन और यू आर द बेस्ट वन। तो अगर आपको किसी भी काम में एक्सेल करना है तो आपको उसमें बेस्ट होना पड़ेगा। ये है तीसरा पॉइंट, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल वे से बता रही हूँ, आप अगर उन सारे पॉइंट्स में ज़्यादा सोचोगे तभी आपको आपका आंसर मिलेगा। मैंने यही बताया कि एक दोस्त के साथ मिलकर जैसे बात करते हैं वैसी ही होंगी। तो ये तीन पॉइंट्स थी जो मेरे दिमाग में थी। चौथी पॉइंट ये है कि ये मैं आजकल बहुत देख रही हूँ, क्योंकि ये कोरोना सिचुएशन के बाद ना ये जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। पकड़ लीजिए आपके पास एक नौकरी है, अच्छा खासा नौकरी है, पर आप उसी के साथ कोई एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम भी रखिए, क्योंकि पता नहीं कब लाइफ में क्या हो जाए। अगर ये वाला नहीं रहे तो आप सड़क पे ना आ जाओ, ठीक है। आपके पास छत हो, हर चीज़ हो, तो उस इनकम में भी यू नो जिसको हम बोलते हैं साइड हसल, ठीक है। जैसे यूट्यूब इज़ माय साइड हसल, ठीक है, सच बता रही हूँ मैं आपको, एकदम दिल से बता रही हूँ। मैं और कुछ काम नहीं करती हूँ, और इसी के यूट्यूब के साथ साथ मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही हूँ आजकल, क्योंकि मुझे लगता है कि यू नो मेरी ये मुझे करना है, ठीक है। तो इसीलिए डांस क्लासेस मैं ऑनलाइन ले रही हूँ, और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि मैं बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चों के, तो दूसरों की खुशी देख के भी खुद को बहुत खुशी मिलती है, खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम ढूंढो, ये है फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो
उसका एक डिजिटलाइज्ड वर्जन आप कर सको तो बहुत अच्छी बात है। अब पहली बात, पहला जो पॉइंट था वो था कि नीच ढूंढना है आपको। अगर आप उस काम में पैशनेट नहीं हो तो आप ये सारे जो पॉइंट्स है, बाकी सारे जो पॉइंट्स है वो आप नहीं कर पाओगे। कभी कभी ना बहुत लोगों के साथ ये भी होता है कि वो जो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम है ना, उसके प्रति उनका बहुत ज़्यादा पैशन हो जाता है, तो वो जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो फिर ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है, वो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ये शायद कहीं ना कहीं सच भी है कि जिस काम पे आपका मन लगता हो ना तो वही काम ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो ये 5 पॉइंट है, ये मैं साइड में फिर से एक बार लिख दूंगी कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको और इसके बारे में आप सोचो और फिर अपना डिसीशन लो लाइफ में। क्योंकि नौकरी छोकरी या छोकरा, अगर आप लड़की है तो नौकरी और ये जो लाइफ पार्टनर वाला डिसीशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा आपको, आपके जो यू नो लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ है उस पर। सो हाँ, सोच समझ के डिसीशन लीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए